58, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं शीट नंबर 58 का प्रिंट आउट लें। ये आपको आज मिली होगी, अच्छा लास्ट टाइम मिली थी, ओके ओके, हाँ लास्ट टाइम मिली हुई है शीट नंबर 58 मिली होगी। कितने लोगों को नहीं मिली 58? देखो आगे देखो, स्टार्ट करते हैं शीट नंबर 58। आगे देखो, सपोज करो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा एक थिक वायर है जिसका रेडियस 5 है और जिसमें टोटल करंट 3 है। आपको बी कहां निकालना है? 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर का मतलब आपको बी वायर के इनसाइड निकालना है, ऐसे होगा इनसाइड निकालना है। तो अगर आपको वायर के इनसाइड बी निकालना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप शॉर्टकट लगाएं, फॉर्मूला जो अभी हमने किया इनसाइड वाला बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, उसमें आर की वैल्यू क्या पुट करें? 2, रेडियस ए क्या पुट करें? 5, करंट आपको पता है आंसर आ जाएगा। बट नॉर्मली इस मेथड की जगह आप इसमें खुद बनाएं जैसे एम्पियर सर्किट लॉ लगा के, तो इंस्टेड ऑफ कि आप इसमें फॉर्मूला यूज करें आप टेक्निक यूज करें। कैसे? जैसे सपोज आप 2 सेंटीमीटर पे बी निकालना चाहते हैं, आप यहां क्लोज्ड पाथ बनाएं, क्लोज्ड पाथ का बी डॉट डीएल निकालें, तो सीधा लिखें बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल क्या होगा? 2πr, यानी कि 2π इंटू 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, बी डॉट डीएल हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इसमें से कितना करंट, इस शेड में से कितना करंट बाहर आ रहा है। तो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू 5 के स्क्वायर में से कितना करंट बाहर आ रहा है? 3 एम्पियर। 1 के लिए कितना आ रहा है? 3/5 × 5 स्क्वायर। और उसी तरीके से पाई इंटू 2 स्क्वायर के हिसाब से कितना आ रहा है? आई डैश। इस आई डैश को उठा के यहां पुट करें तो बी की वैल्यू आएगी। आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और आप ऐसे भी एम्पियर सर्किट लॉ भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्लीज, एक मिनट। जो यंची में खुदाई में प्राप्त हुई थी,
में स्पष्ट रूप से रंग रूप में वो हान जाति के लोगों से एकदम अलग है। गई थी। गौर से देखकर हमें कुछ रंगीन भित्ति चित्रों के अवशेष दिखाई पड़े। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में स्टाइन नाम के एक ब्रिटिशर ने 40 से अधिक दिनों तक यहां खुदाई की और वो यहां से बड़ी संख्या में सांस्कृतिक अवशेष उठा ले गया। चीन के पुरातत्ववेत्ता के बाद खुदाई में प्राप्त हुई मूर्तियां हैं। देखो, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? बी की वैल्यू क्लियर है? नेक्स्ट, सपोज क्वेश्चन है, ध्यान आगे प्लीज, आपको 7 सेंटीमीटर बाहर बी निकालना है।
तो दो तरीके हैं। पहला तरीका बोलो एम्पियर सर्किटल लॉ, जहां पर 7 सेंटीमीटर पे बी निकालना है वहां पर एक क्लोज्ड पाथ बनाए, उस क्लोज्ड पाथ में बी इंटू 2πr करें और बी इंटू 2πr क्या होगा म्यू नॉट इंटू कितना करंट इस क्लोज्ड पाथ के अंदर से जा रहा है पूरे का पूरा 3 एम्पियर इंटू 3 आंसर आ गया। दूसरा तरीका बोलो लाइन वायर इनफाइनाइट का सीधा फॉर्मूला लगाओ क्योंकि जब भी कोई पॉइंट बाहर होगा तो बी इज म्यू नॉट बाय 4π2i/r तो सीधा लगाओगे तो भी आंसर आएगा, ऐसे करोगे तो भी आंसर आएगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पता नहीं कैसे मिस कर गया इसमें, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्या कि सपोज करो आपके पास ये एक वायर है सिलेंड्रिकल वायर है और इसके अंदर से आई करंट बाहर आ रहा है इतने पोर्शन में से, राइट। ये वायर सराउंडेड है, घिरी हुई है एक शेल के साथ, सिलेंड्रिकल शेल के साथ कुछ इस तरीके से। ये लो ये एक सिलेंड्रिकल शेल है, ये आपके पास ये पोर्शन है, ये रहा। तो इसके अंदर करंट कहां आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है आई। ध्यान आगे प्लीज, इंपॉर्टेंट है। तो बीच में कुछ नहीं है, ब्लैक वाले में करंट ऊपर जा रहा है आई, रेड वाले में अंदर एंटर कर रहा है क्रॉस सेक्शन में से आई। क्वेश्चन है बताओ बी की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगी? ये पॉइंट बाहर लाई करता है इसके, क्यों? जीरो, कैंसिल हो जाएगा, आंसर तो जीरो है। लॉजिक, पहला लॉजिक, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट वायर है ये भी और ये भी, तो ये अगर फील्ड, क्योंकि इसमें करंट ऊपर आ रहा है इसमें नीचे जा रहा है, तो इसका अफेक्ट अगर ऊपर होगा या पेज के अंदर होगा या बोर्ड के अंदर होगा, इसका अफेक्ट बोर्ड के बाहर होगा, तो इसलिए दोनों कैंसिल होंगे। पर इतना लॉजिक की बजाय एक और लॉजिक देखो, ये ज्यादा बेटर तरीका रहेगा इसमें। जहां पर बी निकालना है वहां इमेजिन कर लो एक क्लोज्ड पाथ, कर लिया इमेजिन, तो मान लो ये आर रेडियस का क्लोज्ड पाथ है, तो बी इंटू 2πr विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स। अब ये ध्यान से देखना, करंट ऊपर भी आ रहा है करंट नीचे भी आ रहा है, क्योंकि इस क्लोज्ड पाथ के अंदर, इस ये जो क्लोज्ड पाथ मैंने बनाया, ये क्लोज पाथ के अंदर ये करंट भी और ये करंट भी ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो जो एक कोई भी डायरेक्शन ऊपर की पॉजिटिव मान लें तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, तो आपको ऊपर का करंट पॉजिटिव और नीचे का करंट नेगेटिव, तो नेट आंसर क्या आएगा? बी का जीरो। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों? अगेन, क्योंकि बी इज अ वेक्टर, तो अगर ऊपर का करंट बी बोर्ड के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है तो नीचे का करंट ऑपोजिट प्रोड्यूस करेगा, तो नेट अफेक्ट इसमें दिखना चाहिए। तो अगर ये दोनों करंट ऊपर ही होते तो फिर आई प्लस आई क्या हो जाता? 2i। तो ये ध्यान से इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि अगर करंट ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है और एक ही क्लोज्ड पाथ के अंदर ऊपर और नीचे दोनों के करंट हैं, तो नेट अफेक्ट उसका क्या आएगा? जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब जैसे सपोज करो आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव दिखेगा कि मान लो ये आपके पास एक कोई भी क्लोज्ड पाथ है, इस क्लोज्ड पाथ के अंदर तीन वायर्स हैं जिसमें करंट बोर्ड के अंदर आ रहा है, तीन वायर्स हैं जिसमें करंट बोर्ड के बाहर आ रहा है, तो करंट अंदर आ रहा है करंट बाहर आ रहा है, तो आपने क्लोज्ड पाथ लिया, तो इस क्लोज्ड पाथ में 3i करंट अंदर है 3i करंट बाहर है, तो नेट अफेक्ट क्या आएगा? जीरो, क्योंकि क्लोज्ड पाथ जो है उसमें नेट अफेक्ट जीरो आएगा, बिकॉज बी डॉट डीएल में बी की वैल्यू इसमें जीरो आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? तो इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज देखो, फाइंड बी, इसमें आई करो, इसे आई डैश नहीं, आई है ये, ठीक, ये आई करो पहले। तो आपको ना ये दो क्वेश्चंस एक बार 2 मिनट देखो, और इस क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक है, मुझे बताओ क्या मिस्टेक है, कहां है? पहले वाला क्वेश्चन देखो और दूसरे वाला देखो, इस डायग्राम को देखते हुए आपको बी बताना है, और सेकेंड के अंदर तो पक्का सोल्यूशन के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है, वो आपको देखनी है। अभी आपको नहीं बता सकते।
सुनकर भेद फिर बोली, ताज्जुब के साथ पूछा, ये कहां से आए? छे बोली, पूछो मत, ये चीजें कहां से आई हैं? उधर देखो, लीपाओ ने छे के कहने पर पूरी दीवार की ओर देखा। दीवार के पास घास से बनी सोने की जगह दो व्यक्तियों के सो सकने वाला एक खूबसूरत बड़ा पलंग पड़ा था। उस पर बिछे बढ़िया लाल बिस्तर पर हरी रजाई तथा दो लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले ये बताओ। बस बस मेरे को लगा यार एक आध कहेगा कि सब समझा दो, बाकी सब कहेंगे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार। ये देखो, ए आया, ए रेडियस है, आई करंट ऊपर आ रहा है, करेक्शन करवा दी, आई करंट नीचे जा रहा है। आपको कहाँ निकालना है? बी, ए और बी के बीच में, ए ये रहा और बी कहाँ पर है? ये रहा। ए और बी का मतलब कहीं यहाँ कहीं निकालना है, जहां बी निकालना है डॉट 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 क्लोज सरफेस, रेडियस कितना आर, इस डॉट डॉट क्लोज सरफेस का बी डॉट डीएल निकालने, बी इंटू कितना आएगा? 2πr, बी इंटू 2πr, राइट। ये स्टेप क्लियर है? और एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से क्या आना चाहिए? म्यू नॉट टाइम्स इस पेंसिल वाली जो जगह है इमेजिनरी क्लोज सरफेस, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है। अब ये करंट तो बाहर निकल गया इसके लूप के, हमें सिर्फ करंट जो दिख रहा है इसके अंदर से वो कितना है? आए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? आई। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस क्लोज सरफेस के अंदर सिर्फ यही करंट है, हवा में तो कोई करंट है नहीं, तो ये सिर्फ आई करंट है। आंसर, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? कितने लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया और उनको गलती भी पता लग गई इसमें क्या गलती है? अच्छा बोलो, कोई बोल रहा है इसमें क्या मिसिंग है? आई और आई गिवन है, आई की फॉर्म में बोलो, कोई बात नहीं, बोलो क्या आई आई की वैल्यू देनी चाहिए? समझ में नहीं आया मुझे, चलो कोई अब देखते हैं, रुको रुको, बोलो कोई और बोलो बोलो। देखो ध्यान से देखना प्लीज, आई और आई गिवन है राइट, इसमें आई और आई गिवन है और इसके अंदर ये एक वायर है जिसमें आई करंट है, ये जो बाहर का जो पोर्शन है इसमें कितना करंट एंटर कर रहा है? आई करंट एंटर कर रहा है पूरे पोर्शन में। आपको आर बी और सी के बीच में आर है, ये बी है और ये सी है, बी और सी के बीच में कोई भी पॉइंट ले लिया आर, ये रहा आर, तो यहां पर डॉट 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 बीच में क्लोज सरफेस है, यहां पर बी निकाल लें, इसका रेडियस कितने आर है, तो बी डॉट डी आर क्या होगा? बी इंटू 2πr, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो बी इंटू 2πr,
और एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि इसमें डॉट 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 में के अंदर कितना करंट जा रहा है वो निकालना है। ये जो डॉट 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 दिख रहा है इसके अंदर कितना करंट है, एक तो ये वाला करंट है, ये वाला देख रहे हो शेडेड वाला, ये वाला करंट है, और दूसरा कौन सा करंट है, सेंटर वाली वायर का भी करंट है, और इसके अंदर म्यू नॉट इनटू मेरे को इसके अंदर का करंट लेना है डॉट डॉट के, जो कि कितना है ये वाला करंट। मान लो ये वाला करंट अंदर जा रहा है आई डैश, प्लस या माइनस जो भी है ये वाला करंट भी लेना है, और मैंने म्यू नॉट इनटू आई डैश तो ले लिया, आई डैश का मतलब ये वाला करंट जो इसमें एंटर कर रहा है, और मैंने क्या मिस कर दिया, मैंने आई मिस कर दिया, क्योंकि अंदर गॉशियन सरफेस की तरह इनसाइड टोटल करंट लेना है। तो फिगर अगर थोड़ी छोटी लग रही है तो यहां से देख लो, ये ए रेडियस है, इसके अंदर आई करंट है, और ये लो ठीक, ये पोर्शन है, और इसके अंदर हमने क्या निकालना है, हमने ये आर लिया राइट आर, तो ये डॉट 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 ये ऐसे बनेगा, क्लोज सरफेस, क्लियर है यहां तक, हाँ जी ठीक है ना यहां तक। तो इस रेड कलर की क्लोज सरफेस के अंदर कितना करंट है, तो एक तो ये वाला करंट है, ये वाला करंट जो मैं शेड कर रहा हूं, प्लस प्लस ये वाला करंट भी तो है ब्लैक वाला, क्योंकि इस क्लोज सरफेस के अंदर ये रेड वाला भी आएगा और ब्लैक वाला भी आएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे, बी इंटू टू पाई आर, बी इंटू टू पाई आर क्लियर है, मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, ब्लैक वाली वायर का करंट अगर पॉजिटिव है तो रेड वाली में, सिर्फ रेड वाली में करंट कितना एंटर कर रहा है आई डैश, और टोटल कितना कर रहा था आई, तो हमें तो सिर्फ रेड रेड पोर्शन में चाहिए, ये अंदर वाले पोर्शन में चाहिए, जो कि मैंने कितना ले लिया आई डैश, पर मुझे साइन भी क्या लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि एक करंट ऊपर आ रहा है तो दूसरा करंट नीचे आ रहा है। कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है? तो अब आई डैश की वैल्यू चाहिए, आई डैश की वैल्यू के लिए ये इस पोर्शन का करंट निकालना है अंदर वाली का, तो ये बताओ ये पूरे का पूरा एरिया कितना है, पूरा एरिया आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, जो कि कितना आएगा पाई इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें पूरा करंट कितना एंटर कर रहा है इसमें आए वन के लिए इतना, और हम इंटरेस्टेड सिर्फ अंदर वाले पोर्शन में है जिसका आउटर रेडियस आर है और इनर रेडियस बी है, तो ये शेडेड एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका करंट क्या आएगा आई डैश, ये सब कट कर दो, जो भी आई डैश आया उसको उठा के यहां पुट कर दो एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक? हर्षा डाउट है? इसमें इसका करंट निकालना है रेड वाली का एरिया बोलो कितना है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, तो ठीक है। तो अगर ये पूरा एरिया लिया जाए, पूरे एरिया में आई करंट जा रहा है, पूरा एरिया इसके इक्वल है तो आई करंट है, वन है तो इतना है, और हम इसमें इंटरेस्टेड है तो इतना है, तो ये पोर्शन काट के आई डैश को यहां पुट करके बी कैन बी कैलकुलेटेड। तो गॉस थ्योरम जैसा लग रहा होगा इसमें आपको, बिल्कुल वैसी वैसी ही इसमें कैलकुलेशन है सेम टू सेम, बट पॉइंट समझ में आ रहे हैं सबको यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, क्लियर है कि डाउट है? कोई पूछ सकते हो, डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्लियर है? तो एक मैंने आपको सब्जेक्टिव शीट नहीं, एक और हैंड रिटन